आजादी के 6 दशक बाद देश के तमाम गांवों में तो नहीं, लेकिन कुछ गांवों में बापू का ये सपना साकार हो रहा है। इन्हीं में से एक है राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली पहाड़ियों के बीच बसी पिपलांत्री ग्राम पंचायत। स्वराज का साक्षात स्वरूप ग्राम पंचायत पिपलांत्री में देखने को मिल रहा है, जहां अब आप वहां की ग्राम सभा देखिए, वहां की ग्राम पंचायत की बैठकें देखिए और वहां के विभिन्न जो सामुदायिक कार्यों को देखिए, वहां पर लोगों की सक्रिय सहभागिता है। गांवों को मिलाकर बनी पिपलांत्री ग्राम पंचायत में आज घर घर तक सड़क है, पीने का पानी है, बिजली है, साफ सफाई है, गांव के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल हैं और उनके खेलने के लिए तमाम सुविधाएं हैं। और ये है पिपलांत्री का एयर कंडीशनड पंचायत भवन। तपती गर्मी में भी गांव वाले यहाँ बैठकर सुकून से अपने विकास की योजनाएं बनाते हैं। पहले हमारा जो पंचायत भवन था ना, वो छोटा सा कमरा, उसमें किसी तरीके कोई सुविधा नहीं, लाइट नहीं, पंखा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद में फिर हमने ग्राम सभा की मीटिंग ली, उसमें ये पहले भाई कम से कम बैठने की जगह ठीक चाहिए, तो फिर हमने ये प्लान बना करके एक भवन बनाया, भवन बनाया, उसमें फिर एसी लगाई, फर्नीचर बनाया, सब कुछ बनाया, ताकि अब 5-50 आदमी बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं आराम से। गाँव के लोग इसे विकास की शुरुआत बता रहे हैं। इसकी नींव गांव में 2005 के पंचायत चुनाव में रखी गई। 40-45 सालों से जो पिछली जो पंचायत थी पुराने डर्रे से अपने ढंग से जो काम कर रही थी, लेकिन 2005 से श्याम सुंदर जी सरपंच बने और उस टाइम पे मैं भी उनके साथ में वार्ड पंच था और हमारे सभी वार्ड पंचों और सरपंच श्री श्याम सुंदर जी ने ये बैठ के जो तय किया भाई गाँव वालों को साथ में लेकर उसके बाद में ये जो हम काम करेंगे। और आज की स्थिति यह है कि हमारी ग्राम पंचायत निर्मल ग्राम पंचायत बन चुकी है। 2005 में गांव के लोगों ने गांव के ही एक युवा श्याम सुंदर पालीवाल को पंचायत का सरपंच चुना। पालीवाल पहले भी गांव के मुद्दों को लेकर सक्रिय थे। 8वीं पास पालीवाल ने गांव के लोगों के साथ सबसे पहले गांव की पंचायत के काम करने का तरीका बदला। ग्राम सभा की औपचारिक बैठकों को न सिर्फ नियमित किया गया बल्कि पंचायत के हर एक काम में लोगों की बैठक बुलाने की परंपरा शुरू की। इसका फायदा हुआ कि लोगों ने पंचायत के हर काम में सहयोग देना शुरू किया। अकेला सरपंच कुछ भी नहीं कर सकता है। सरपंच ये मान ले कि मैं सरपंच हूँ गांव का, मैं मानता हूँ कि सरपंच की बहुत बड़ी भूल है। ग्राम सभा गाँव की ग्राम पंचायत की मालिक है। जब कोई भी काम गाँव वालों के साथ बैठकर किया जाता है, ग्राम सभा के माध्यम से गांव वालों के साथ एक सभा करके अगर कोई कार्यक्रम किया जाता है, तो उससे किसी भी गांव के जनप्रतिनिधि हो उसमें एक नया उत्साह बढ़ता है और एक काम करने की लगन पैदा होती है। इसी तरह से हमने हमारे गांव में गांव वालों के साथ बैठकर जो चर्चा की और उससे लोगों का एक सहयोग हमें मिलना शुरू हुआ और हमें लगा कि वास्तव में पूरा पंचायत, पूरे गाँव के सब लोग हमारे साथ हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो हम दिन रात लग गए। स्थिति यह हुई कि विकास के बहुत सारे काम हुए। 3 आंगनबाड़ी केंद्र थी, आज 9 आंगनबाड़ी केंद्र है। 1 8वीं स्कूल था, आज पूरी पंचायत में 11 8वीं स्कूल है। 1 10वीं स्कूल था, आज 1 10वीं स्कूल है, 1 12वीं स्कूल है। 11 वार्ड है, 13 पेयजल की स्कीम है, 2 सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप हैं, जिससे बिजली नहीं होने की स्थिति में भी यहाँ पर हर समय पानी मिलेगा आपको। जब से ये ग्राम सभाएं फैसला लेना चालू किया, तब से हम सभी उनके साथ जुड़े और हर जगह के विकास कार्यों में भाग लेते हुए आज हमारा गांव और हमारी पंचायत इस तरक्की पर पहुंची है कि जो निर्मल ग्राम में पुरस्कार प्राप्त किया। ग्राम सभा की बैठकों में फैसला लेकर और लोगों को जोड़कर काम करने का फायदा ये हुआ कि अब यहां के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी मदद के भरोसे ही नहीं रहते हैं।
गांव की हर समस्या का समाधान आपसी सहमति और सहयोग से निकलने लगा है। मैं जब सरपंच बना तब मैंने देखा कि इस गांव में स्कूलें नहीं थी, यहाँ की बच्चियाँ पढ़ने के लिए यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पर जाती थी। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की यहाँ के स्कूल को 10वीं से 12वीं करवाने का। जब स्कूल 10वीं से 12वीं हो गया तो बिल्डिंग की कमी महसूस हुई। हमने ग्राम पंचायत ने गांव वाले सभी लोग व्यक्तियों के साथ बैठकर ये तय किया कि बिल्डिंग बनवाई जाए, तो जन सहयोग से यहाँ 20 लाख की बिल्डिंग बनी है। पहले राजसमंद में लड़की को भेजते नहीं थे क्योंकि दूर का मामला था। अब हमारे गांव में 12वीं तक स्कूल है। आजकल तो स्कूल में कंप्यूटर कोर्स भी होने लगा। अगली पीढ़ी की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ गांव वालों की एक बड़ी चिंता थी जमीन के नीचे का घटता पानी। कुओं का जलस्तर, कुओं में पानी सूख गया बिल्कुल। किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहे थे, गांव में पीने का पानी नहीं था। तो गांव वालों के साथ बैठ के ये चर्चा की कैसे इतनी बड़ी समस्या से निपटा जाए। इसके लिए हम लोगों ने जहाँ जहाँ ये बरसाती नाले हैं उस पर छोटे छोटे एनीकट बनवाए। जैसे बारिश हुई तो हमारे सभी एनीकट ओवरफ्लो हो गए, फुल हो गए। आज हमारे कुएं बिल्कुल चार्ज हो गए हैं। कुएं ऊपर से आप देख सकते हैं, कुओं को ऊपर से बाल्टी भर के पानी ले सकते हैं। जलस्तर बढ़ने का ही परिणाम है कि आज पंचायत के एक एक घर में पीने के पानी का नल लगा हुआ है। हमारा ग्राम पंचायत पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, तो उसे हैंडपंप लगाना और बाड़ी खोदना हर घर में हर आदमी की वश की बात नहीं। उसमें खर्चा भी खूब आता है और हर आदमी इतना सक्षम नहीं है। तो उस हिसाब से पहले हम पानी सार्वजनिक कुओं बावड़ियों से और हैंडपंप से पानी की व्यवस्था करते थे, लेकिन 5 साल पहले ग्राम सभा में निर्णय लिया गया हमारे सभी लोगों ने कि अपना जल स्तर भी खूब ऊपर उठ चुका है, तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था बना के नल कनेक्शन से पानी की व्यवस्था करें। तो उसके बाद प्रस्ताव हम सब लोगों ने मिलकर लिया और उसके बाद सब घर में नल कनेक्शन दे के पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। जमीन के नीचे का पानी बढ़ने से आज गांव में हरियाली है, खुशहाली लौट रही है। पशुओं के लिए चारे की कोई कमी नहीं है। इसका असर ये हुआ है कि जो परिवार गांव छोड़कर चले गए थे उनमें से कई अब वापस आकर खेती या कोई और काम गांव में ही करने लगे हैं। 30-35 साल पहले यहाँ कोई रोजगार नहीं था। इस रोजगार की समस्या के कारण माता पिता वगैरह सब जने बाहर चले गए, वहाँ रोजगार करने लगे, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बिगड़ गई उस कारण हमें यहाँ वापस आना पड़ा। और आज यहाँ रोजगार अच्छा है, सब कुछ है, इसीलिए हम यहीं के होकर रह गए और अब यहीं रोजगार मिल रहा है और यहीं काम कर रहे हैं। कम बारिश और जमीन के नीचे कम होते पानी के कारण ये जंगल लगभग सूख चुके थे, लेकिन ग्राम सभा में गांव वालों ने फैसला लिया कि अगर गांव को बचाना है तो पहाड़ों की खोई हुई हरियाली फिर से वापस लानी होगी। और पिछले 6 साल में पिपलांत्रि के लोगों ने 1.25 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। हरियाली को बढ़ाने के लिए खुद लोग जन्म और मृत्यु जैसी घटनाओं पर भी अब पेड़ लगाते हैं और गाँव की महिलाएं रक्षाबंधन के दिन इन पेड़ों को राखी बांधती हैं। पेड़ हम भविष्य में हमारी रक्षा करेंगे। जिस तरह एक बहन अपने भाई को रक्षा का भार सौंपती है, उसी तरह उस वृक्ष को हम अपने रक्षा का भार सौंपते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में आपसी सहमति के आधार पर फैसले लेने की आदत ने गांव के प्रति लोगों की सोच को भी बदला है। गांव की गलियों में लगने वाली स्ट्रीट लाइट का रखरखाव और बिजली के बिल का खर्च गांव वाले खुद उठाते हैं। लोगों ने मुझे कहा हमारे गांव में रोड लाइटें होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइटें होनी चाहिए। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जेएन से सर्वे करवाया तो 15 से 16 लाख रुपए का डिमांड निकला। उसके बाद हमने पूछा कि बिजली का बिल कितना आएगा, तो उनने कहा 50,000 के लगभग महीने का आएगा। अब 50,000 रुपए महीने ग्राम पंचायत कहाँ से देगी? पहले 15 लाख रुपए ग्राम पंचायत कहाँ से देगी? तो सभी लोगों के साथ बैठकर जब चर्चा की तो हमने उनको कहा कि भाई आप ऐसा करो कि पंचायत को एप्लीकेशन दो कि अगर ग्राम पंचायत मेरे घर के बाहर स्ट्रीट लाइट लगाकर दे देवे तो इसका रख रखाव एवं विद्युत खर्चा मैं स्वयं के खर्चे से करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह का एक आवेदन उनसे लेकर लगभग 700 रुपए की लाइट है उसको उनके घर के बाहर लगा दी, जिससे ये हुआ कि पूरा मोहल्ला जगमगा उठा। आज स्थिति ये हो गई है कि पूरी ग्राम पंचायत में 350 लाइटें जलती है। ग्राम सभा में फैसले लिए जाने से लोगों का अपनी पंचायत पर विश्वास तो बढ़ा ही है, जब लोग मिलकर बैठते हैं तो गांव वालों के आपसी संबंधों पर भी इसका असर दिखता है। इसका सटीक उदाहरण है पिपलांत्रि के ये परिवार, जो एक छोटे से मामले में 85 मुकदमों में उलझे थे।
आज उन्होंने अपनी विवादित जमीन ग्राम पंचायत को दान दे दी है। हमारे आपसी भाई बिंदु का जो 15-20 साल से झगड़ा चल रहा था जिस जमीन का, वो हमारे ग्राम सभा की बैठक में हमने ग्राम सभा को दान में दी। पहाड़ों के बीच बसे होने के कारण पिपलांत्री में भी कई सारी पत्थर की खदानें हैं। इन खदानों से निकलने वाला मलबा ग्राम सभा की जमीन पर डाल दिया जाता था, इसके कारण ये जमीन लगातार बंजर होती जा रही थी। गांव वालों ने सरकार से कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन खनन माफिया के प्रभाव के आगे किसी की नहीं चलती थी। लेकिन जब ग्राम सभा के जरिए गाँव के लोगों में एकता आई तो इसका समाधान निकला। साथ ही आज ये खदानें पंचायत के लिए आमदनी का साधन बन गई हैं। हमारे पास में चारागाह भूमि है, 85 बीघा जमीन है पिपलांत्री खुर्द की। उस जमीन में ग्राम पंचायत ने, पूर्व ग्राम पंचायत ने डंप यार्ड के लिए उनको एनओसी दे दी कि यहाँ मलबा डाला जाए। उस जमीन को हमने उनसे छुड़वा कर उनकी एनओसी को खारिज करके और ग्राम पंचायत ने पूरे 85 बीघा में पौधे लगा दिए। हमारे पंचायत के एरिया में से जो जितनी भी रॉयल्टी कटती है उसमें से 1% रॉयल्टी हमारी पंचायत को मिलती है। आज हमें जो खजानों से जो रॉयल्टी का पैसा मिलता है उससे हमारे को ये फायदा हुआ है कि हमारे को सरकार के पैसे का इंतजार नहीं करना पड़ता है। गांव के विकास के कार्य हम आराम से होकर उससे करवा सकते हैं। पंचायत को हो रही इस आमदनी का फायदा उन परिवारों को भी मिला है जो गाँव के बाहर 2-3 घरों की छोटी छोटी बस्तियों में रह रहे थे। इन घरों में भी आज बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। हमारे मतलब पानी की व्यवस्था नहीं, लाइट नहीं, रस्तों नहीं हो। जो हमें पंचायत में गया, पंचायत में मीटिंग भी बटर बाद में हमारे जो लाइट मिली है, पानी पानी मतलब मिला है, जाने आने का रास्ते का मतलब सही हुआ है। गांव की खुशहाली का ये रास्ता आसान नहीं था। हर एक गांव की तरह यहां भी राजनीति है, बंटवारे हैं और इसका सामना 2005 में सरपंच बने पालीवाल को भी करना पड़ा। चुनाव जीतने के बाद एक गांव में यह स्थिति थी कि जो लोग चुनाव हार गए थे उन लोगों ने अपने प्रभाव में कुछ लोगों को लेकर मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा कि इस गांव में इस सरपंच को कोई सहयोग नहीं करेगा, इसको कोई चाय पानी नहीं पिलाएगा। और इस तरह से कुछ एक साल तक, कुछ समय तक चलता रहा। और जब उन लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग गलत कर रहे हैं, हमारे गांव के विकास में रोड़ा अड़ा रहे हैं, दूसरे गांव में कितना विकास हो रहा है, कितना सरपंच हमारा सहयोग कर रहा है, पंचायत हमारा सहयोग कर रही है, हम लोग इससे क्यों वंचित रहे, तो वो सब लोग हमारे साथ जुड़ गए। गांव के सभी लोगों को साथ लेकर चलने की परंपरा पिछली पंचायत में शुरू हुई थी, लेकिन पिपलांत्री की वर्तमान पंचायत भी उसे आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है। पिछली पंचायत ने जो गांव वालों को साथ में लेकर जो काम करने का जो मुहिम उठाया था, वर्तमान पंचायत भी उसी तरह से काम करती रहेगी। इसी बात ने पिपलांत्री को आज एक मॉडल ग्राम पंचायत बना दिया है, जिसे देखने देश विदेश के लोग लगातार आ रहे हैं।